हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपका क्लास लाइन एंड एंगल का है, एक बेसिक चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। और इसलिए क्योंकि आपने कहा है, आपका डिमांड है लाइन एंड एंगल पढ़ने का। और डिमांड क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन बनाने में या पढ़ने में जब कभी भी हम कोरस्पोंडिंग एंगल बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बोल रहे हैं, तो आप दिक्कत में फंस जा रहे थे। तो आपने मैसेज किया था इनबॉक्स पे, आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तब कहीं जाकर के मैं सोचा कि जल्दी से ही प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट कर दें, नहीं तो ससुर आपको प्रॉब्लम में ले लेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है लाइन एंड एंगल पे है। और ये देखो काफी आसान, सबसे आसान है लाइन एंड एंगल। तो ये तीन पॉइंट पे आप फोकस करना, ध्यान देना। एक फिगर ये है, ये फिगर नंबर फर्स्ट है, दूसरा फिगर ये है, फिगर नंबर सेकंड है, और तीसरा फिगर ये है, फिगर नंबर थर्ड है। क्या आप इस फिगर को देख पा रहे हो? ध्यान से देखना मेरे भाइयों। देखो ये दो फिगर, एक फिगर जो है देखो दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ। ये सिंबल क्या बता रहा है? दोनों तरफ बढ़ने का, ये सिंबल बढ़ने का बताता है। तीरवा जहां लग रहेगा ये कहेगा कि बढ़ जाओ, ठीक है, चलो बढ़ते जाओ। तो देखो दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक ऐसा कि दोनों तरफ बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकता है, वो होता है लाइन। और लाइन का हिंदी होता है रेखा। तो प्रॉब्लम सोल्व हुआ, ये रेखा दोनों तरफ बढ़ेगा, ठीक है, कहीं रुकेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ये हुआ रेखा। तो रेखा का मतलब आपको समझ में आ गया, लाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो अगला यार, एक ये इंड पॉइंट है, मतलब एक तरफ से ई रुकल रहेगा और दूसरा तरफ से ही बढ़ते रहेगा, ठीक है। एक तरफ रुका रहेगा, दूसरा तरफ से बढ़ता जाएगा, इसका नाम रहेगा क्या? रे। इसका नाम रहेगा क्या? बोलो रे, ठीक है। इसका मतलब किरण, हिंदी में इसका नाम क्या है? किरण। शाहरुख खान की किरण, ठीक है। देखो एक इंड पॉइंट एक तरफ से बढ़ रहा है। अगला फिगर आप देख रहे होंगे, दो इंड पॉइंट, ठीक है, दो इंड पॉइंट, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको बोलेंगे क्या जी? लाइन सेगमेंट। साथ साथ आप भी जहां भी बैठे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप बोलते रहना, आज ना मस्ती वाला क्लास है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड, रेखा खंड, ठीक है। तो तीन चीज, रेखा, किरण, रेखा खंड, लाइन, रे लाइन। इसके बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लाइन के बारे में बताता हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं आपसे कोई पूछ देगा आप इंटरसेक्टिंग लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का भी है अंतः विभाजक, अंतः विभाजक रेखा, अंतः विभाजक रेखा, ठीक है। इसका हिंदी क्या है? अंतः विभाजक रेखा। और नॉन, नॉन मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब गैर है। तो गैर अंतः विभाजक रेखा, ठीक है, गैर अंतः विभाजक रेखा। ध्यान दीजिएगा, दो एक नया लाइन है। बहुत सारे कम बच्चे आप में से इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। और ये बहुत टफ भी नहीं है, फिगर दिखाएंगे। देखो इंटरसेक्टिंग, दो लाइन है, दो लाइन है इंटरसेक्ट किया, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, अंतर विभाजक हो गया। और नॉन इंटरसेक्टिंग, ये देखो ये दो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। टू लाइन कैन बी इंटरसेक्ट विथ इट, इट इज लाइक दैट, इस प्रकार से हो। और इस प्रकार से है मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसी को तो आप कहते हो पैरेलल लाइन। क्या बोलते हो मेरे भाइयों? पैरेलल लाइन मतलब क्या चीज? समांतर रेखा। समांतर रेखा समझ में आया? मतलब आप पटरी को देखे हो, ट्रेनवा जिसपे चलता है, छुक 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 चलता है ना जी ट्रेनवा, तो वो पैरेलल पटरी जो होता है पैरेलल होता है, पटरी पैरेलल रहता है। और ये इसका कोई एंड पॉइंट होता है जी? कहीं पता चलता है पटरी कहां पे रुकता है? ठीक है, वो तो छोरा पकड़ लिया तब ना, ऐसे आपको पता नहीं चलता है। तो समांतर रेखा जो दोनों, देखो ये दो लाइन आपस में क्या है? समांतर। ये दोनों लाइन देखो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कुछ और लाइन के बारे में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट लाइन जो है कॉलिनियर लाइन है, कॉलिनियर लाइन,
कोलिनियर लाइन, समरैखिक रेखा। हिंदी क्या है इसका? समरैखिक रेखा, कोई दिक्कत। और दूसरा है नॉन कोलिनियर लाइन, नॉन कोलिनियर लाइन इसका मतलब क्या होता है इसका हिंदी बताओ? गैर समरैखिक रेखा, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक है समरैखिक रेखा, एक है नॉन समरैखिक रेखा। अब क्या कहते हैं देखो यार फिगर, जब तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर है, जैसे एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, और नॉन कोलिनियर में देखो एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो तीन लाइन है, तीन पॉइंट है, एक ही लाइन पे है, देख लो एक ही लाइन पे है। तो देखो तीन पॉइंट एक ही लाइन पे है कोलिनियर, ठीक है। और ये देखो ये तीन पॉइंट जो है अलग अलग लाइन पे हैं इन नॉन कोलिनियर, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अब इसके आगे ये देखो, अभी आप लोग सीखा क्या क्या सीखा बताओ? लाइन रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है, फिर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना लाइन के बारे में आपको जानकारी हो गया, रे के बारे में जानकारी हो गया। अब हम लोग एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस चीज के? एंगल। तो अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। एंगल देखते रहना, एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कोण क्या होता है, कहां से कोण ओरिजिनेट होता है? जब दो रे देखो रे, एक रे ये और एक रे ये, इस प्रकार से एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, एक ही पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो, तो उसके बीच में जो स्थिति बनती है वही एंगल होता है। क्या होता है? वही एंगल होता है। एंगल काफी प्रकार का होता है यार, टाइप ऑफ एंगल बहुत है। जैसे आप टाइप ऑफ एंगल में आपको पढ़ा देते हैं हम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का हिंदी क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण वैसा जो जीरो डिग्री से बड़ा होता है, जीरो डिग्री से बड़ा होता है न्यून कोण। देख लो जीरो डिग्री से न्यून कोण बड़ा होता है और 90 डिग्री से न्यून कोण छोटा होता है, ठीक है। जीरो डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। दूसरा, पहला बताए एक्यूट एंगल, दूसरा बता रहे हैं आपको राइट एंगल। देखते रहिएगा ध्यान से, राइट एंगल, राइट एंगल का हिंदी क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। एकदम आराम से देखो, समकोण जिसका 90 डिग्री पे मेजरमेंट हो, तो ये होता है समकोण का फिगर, ये राइट एंगल, ठीक है। और तीसरा है, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का हिंदी क्या होता है? अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण जो होता है ना मेरे भाई, अधिक कोण जो होता है ना, वो 90 से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। कोई दिक्कत किसी को? अब बता रहे हैं आपको हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, किस चीज के बारे में? चौथा आपका आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यहां देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बृहद कोण। क्या होता है? बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है? बृहद रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, रिफ्लेक्स जो होता है ना, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो आपको चार एंगल के बारे में जानकारी अभी दी है, अभी आपके इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। एक है एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, चौथा रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल किससे? जो जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, ठीक है। जैसे जैसे 75 डिग्री कौन सा एंगल है? तो एक्यूट एंगल है। फिर उसके बाद राइट एंगल, समकोण हमेशा 90 डिग्री ही समकोण होगा। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एकदम आराम से समझिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? बोलिए, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत नहीं, आप जहां भी हो, अगर पढ़ रहे हो, मन है, तो हम जब बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मन में आपको होना चाहिए कि सर का जवाब हम दें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी क्या होता है? अगर कुछ विद्यार्थी
जिनका हिंदी है संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यार इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना, सप्लीमेंट्री का पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, संपूरक होंगे, जब ये दोनों का सम कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। दो एंगल का सम 90 डिग्री संपूरक, दो एंगल का सम 180 डिग्री पूरक। देखो यार रटने में कोई दिक्कत नहीं है, रटो मत समझो, ठीक है। देखो सी, सी क्या है? सी कंफ्यूज हो जाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में बहुत लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो सी से क्या होता है? सी से कॉर्नर होता है, सी से क्या होता है? कॉर्नर होता है। और कॉर्नर देख लो 90 डिग्री का ही होता है। देखो कॉर्नर कितने डिग्री का होता है? 90। तो सी से कॉर्नर, सी से कॉम्प्लीमेंट्री, देख लिए कोई दिक्कत नहीं। और एस जो होता है, एस स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, और एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है कि नहीं। और एस को देखो ना, इसे बना दो 8 हो गया, 8 मतलब 180 कर दो। ये तो समझने की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री समझ में आ गया, चलिए आगे नेक्स्ट। तो कुछ और एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ एंगल के बारे में पढ़ा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कुछ एंगल बच रहा है जो बेसिक है। देखो यार एक होता है कंप्लीट एंगल, देखना कंप्लीट एंगल ये क्या होता है? कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण, ठीक है। इस सब में कंफ्यूज मत होना, बड़ा आसान चीज है पूर्ण कोण, ठीक है। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। नाम कितना भयानक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ध्यान दीजिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ध्यान दीजिएगा। ये चार एंगल और एंगल के बारे में आपका जानकारी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट एंगल जैसे कि ये है, ठीक है, इसको मेजरमेंट करना है, इसको मेजरमेंट करना है। देखो यहां से मेजरमेंट करते 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 यहां तक आ गए, मतलब पूरा 360 डिग्री हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एक सर्कल, मतलब 360 डिग्री का होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो स्ट्रेट लाइन, देखो दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसका आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा बराबर बीटा, इसका मतलब 1:2 बराबर 2, मतलब आमने सामने का बराबर होगा। लेकिन शर्त क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन हो, क्या है? स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, ऐसे ऐसे बनल है, ऐसे कर रहे बराबर नहीं करना, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे, तभी आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक लाइन है उस पे ऐसे आ जाए, एक लाइन पे एक लाइन आ जाए, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये अल्फा ये बीटा है, तो ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाना चाहिए। अच्छा आपका सवाल होगा, सर एक ही लाइन, जैसे मान लीजिए ये है, इस पे एक लाइन ऐसे आया, एक लाइन ऐसे आया, एक लाइन ऐसे आया, आप ये भी बोल सकते हो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो जैसे ही बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको एडजेसेंट एंगल पढ़ाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो अभी हम आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का हिंदी क्या होता है? आसन कोण, यहाँ पे दिख रहा है ना आसन कोण, ठीक है क्या मेरे भाई? आसन कोण, ठीक है आसन कोण। देखो एक फिगर देखो, ये देखो ये फिगर, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल आसन होंगे, कैसे? क्यों? क्योंकि एक वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या? शीर्ष, एक वन कॉमन वर्टेक्स, कैसा होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। एक ही वर्टेक्स से देखो सब लाइनिया गुजरा है, सब लाइन एक ही वर्टेक्स से गुजरा है, और देखो एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म्स। तो देखो ये एंगल बन रहा है इसी आर्म्स की वजह से, ये एंगल बन रहा है इसी आर्म्स की वजह से, तो ये हो गया, ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा एडजेसेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी आपको मैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाया हूं, आगे मैं कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूं, ठीक है, पैरेलल लाइन के रिगार्डिंग। तो आप बने रहिए, अभी चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, देखो दो लाइन, पहला लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है?
पैरेलल लाइन है, ध्यान देखिएगा, पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। देखो दो पैरेलल लाइन है, एक के ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसका नामकरण दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है और ये आठ है। ये एंगल बना, एंगल के बारे में लिख दिए। देखो यार, एक ट्रांसवर्सल लाइन के या तो दाएं या तो बाएं, ऊपर नीचे का एंगल आपस में बराबर होता है। ऊपर नीचे जैसे एंगल टू जो है एंगल फाइव के बराबर है, एंगल थ्री जो है एंगल एट के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंगल वन जो है एंगल सिक्स के बराबर है, ठीक है, एंगल वन जो है एंगल सिक्स के बराबर है, एंगल फोर जो है एंगल सेवन के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल रे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो दाएं का या बाएं का ऊपर नीचे का एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। एंगल टू, एंगल फाइव, एंगल तीन, एंगल आठ, एंगल वन, एंगल सिक्स, एंगल फोर, एंगल सेवन, और इसी को कहते हैं संगत कोण। इसी को क्या बोलते हैं, संगत कोण, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दिक्कत, बोर्ड पे दिख रहा है ना, यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखो एंगल तीन जो है एंगल छह के बराबर है, एंगल तीन एंगल छह के बराबर, एंगल चार एंगल पांच के बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं बताइए ना, एकांतर कोण, दिक्कत नहीं ना है, इसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अब तुम कहोगे कि सर ये प्रूफ भी हो सकता है क्या, अरे यार प्रूफ करो, कोशिश करो, नहीं होगा बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग, आप जान गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब देखो यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक लाइन ये ले लेते हैं एल, ठीक है, एक लाइन ये ले लेते हैं एम, और एक लाइन ये ले लेते हैं एन, ठीक है, एल एम एन, और इसपे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है, और इस प्रकार से, और एक मान लो ये ऐसे ले लिए आपका एस है, ये टी है और ये यू है, ठीक है, तीन एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू आर पे टच करके पार होता है, एक एस टी यू पे टच होकर के पार होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये याद रखना है और इसको हम प्रूव भी कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट क्या है, PQ अपॉन QR, और इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यार, इतना सिंपल है कि आपके मन में रहेगा, PQ अपॉन QR और ST अपॉन PU, ये याद रखिएगा आप लोग, ये क्या है याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लाइन एंड एंगल्स के बारे में जो अभी तक पढ़े उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, एक दो तीन चार, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अभी ये सारा क्वेश्चन जो है, ये सारा का सारा क्वेश्चन का बेसिक आपको बता दिया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये बताया, और ये एक ट्रांसवर्सल रे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें मैं बताया वन है, ये टू है, एंगल थ्री है, एंगल फोर है, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट। तो मैं आपको बताया कि एंगल वन जो है एंगल सिक्स के बराबर है, ठीक है, एंगल वन जो है एंगल सिक्स के बराबर है, एंगल फोर जो है एंगल सेवन के बराबर है, एंगल टू जो है एंगल फाइव के बराबर है, एंगल थ्री जो है एंगल एट के बराबर है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात किया मैंने, मतलब संगत कोण का, ठीक है, और एंगल फोर जो है एंगल फाइव के बराबर, एंगल थ्री जो है एंगल सिक्स के बराबर, ये मैं बात किया आपका किस चीज का, अल्टरनेट एंगल का। एक और बताते हैं कि देखो एक ही पेयर, एक ये एंगल थ्री और एंगल फाइव, देखो एंगल थ्री और प्लस एंगल फाइव, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स, अंदर के दोनों का जोड़ दो, इंटर एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसका तो अभी कॉन्सेप्ट ही है कि इसका रेशियो आपस में बराबर होता है, 3/5 इक्वल टू 12/x, अभी ने बताए, ठीक है, इसका रेशियो इसका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो 3 × 12 एक्स का वैल्यू कितना, 20, तो ये आपका आंसर आ गया, 20, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए दूसरा में आते हैं, ये 4x है, ये 130 है, 6x है, निकालना क्या है, x निकालना है आपको, क्या निकालना है, x। तो देखो यार ये इसके
ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो ए बी कह रहा है पैरेलल टू सी डी, तो हम एक और पैरेलल लाइन दे देते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, तो ये भी ये सब आपस में पैरेलल। अब अभी बताएं कि एक पैरेलल दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो ये वाली और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये भी जाने कि ऊपर वाला के देखो, अभी बताएं एंगल टू जो है एंगल फाइव के बराबर, तो एंगल चार जो है इसके बराबर होगा, मतलब ये भी चार एक्स होगा, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो एंगल वन जो है एंगल सिक्स के बराबर होगा, ऊपर का और इनिशियल का, ये ऊपर का इनिशियल का आपस में बराबर है, कोई दिक्कत। वैसे ही एंगल सिक्स सिक्स और ये वाली, ये एंगल की बात करेंगे तो ये भी सिक्स सिक्स होगा, अगर ये दोनों को रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो आप ये देखें ये जो है कितना के बराबर होगा, छ और चार दस एक्स के बराबर हो गया, और दस एक्स कितने के बराबर, 130, तो जीरो जीरो कैंसिल, एक्स का वैल्यू 13। बात समझ में आया, एकदम ध्यान दीजिए, ये 4x ये दोनों लाइन के रिप्रेजेंटिंग में देख रहे हैं, काला वाला ब्लू वाला, तो अगर ये दोनों लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा ना जी। देखो ना ये फिगर बाहर से इसको बना देते हैं, ये 4x है तो ये भी 4x होगा ना जी, तो ही ना 4x है तो ये 4x है, 6x है तो ये 6x, कोई दिक्कत। चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, अगर ये इस क्वेश्चन को आप बनाने जा रहे हो तो इसके ये 99 है, 111 है, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये सब कर सकते हो, ये सब करना ही पड़ेगा, अगर ना करेगा बाबू तो कंधा पे स्टार कैसे लगेगा। देखो अब एक बात, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, इस ध्यान से तुम समझने लगोगे, ये भी बढ़ गया, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल है 111 तो ये कितना होगा, अभी ना सीखे, अगर एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना 180, तो ये 111, मतलब ये देखो ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये सब ध्यान देना होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों को जोड़ने में कितना होगा 180, अगर 111 है तो ये कितना होगा 69 डिग्री होगा, ये 69 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 111 में 111 69 जोड़ो ना रे, 9 10 सात एक आठ 180 हो गया, तो इसको लिखना है इतना, तब तो एग्जाम में 20 बरस बाद निकलेगा। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, दो लाइन, ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये भी 69 डिग्री है। और आपको ये पता है कि एक एंगल 180 डिग्री को होता है, ये 99 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, निकालोगे 180 में 99 घटाएगा कितना आएगा बताओ, 180 में 99 घटाओगे कितना आएगा बताओ, कितना 100 कितना, वो लिख लेना, अरे नहीं आ रहा यार तो घटा करके लिख लेना, जो भी आएगा। और आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों जोड़ के 180 से घटा दोगे तो x का वैल्यू नहीं आएगा। यह पूरा सोल्व नहीं किए, आपके लिए छोड़ दिए, कर लेना। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, अगर ये 130 से 50 हुआ, ये 130 से ही आपस ये क्या होगा 50 हुआ, क्योंकि देखो एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, ऑलरेडी यहाँ पे 130 से 50 हो जाएगा। अच्छा बताओ ये 60 ये 50 110 तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो गया, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है यार। अब नेक्स्ट वीडियो में लाइन एंड एंगल का कुछ और कंसेप्ट लेकर के आऊंगा, कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।